धार जिले के धाननोद नगर के एबी रोड जिनिंग में स्थित महादेव मंदिर में आज शनिवार भगवान भोलेनाथ जल पी रहे हैं। इस बात की सूचना जैसे ही नगर वासियों को लगी, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे तथा चम्मच से जल पिलाने का क्रम शुरू हो गया। मंदिर में भोलेनाथ की मूर्ति के साथ ही गणेश जी की प्रतिमा व नंदी भगवान भी पानी पी रहे थे। भक्तों के द्वारा पानी पिलाने के बाद जयकारा भी लगाते हुए तालियां बजाई जा रही थी। हालांकि इसे अंधविश्वास कहें या फिर आस्था, भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वाले लोग बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, किंतु भगवान का चमत्कार होने के बाद ग्रामीणों को भी इस बात की जानकारी लगते ही प्रतिदिन दर्शन करने आने वाली महिलाओं ने भी चम्मच से पानी पिलाया। इस दौरान लोगों ने बारी बारी से नंदी भगवान को पानी पिलाया। मंदिर में आस्थावान महिला एवं पुरुषों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई और बड़े पैमाने पर श्रद्धालु अपने हाथों से चम्मच के द्वारा नंदी भगवान को पानी पिलाने लगे। क्या नाम है आपका? राजकुमारी जैसा। आज आप मंदिर में क्यों आए हैं? नंदी जी को पानी पिलाना है। क्या हो रहा है यहाँ पर? नंदी जी जल पी रहे हैं। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला? हम घर पे बैठे थे तो पड़ोस में भाभी है, नीतू भाभी करके, वो बोलने आए कि मंदिर में जो शिव मंदिर है पास का, जीन का मंदिर दीपक भैया का, वहाँ पे नंदी भगवान दूध जल पी रहे हैं। अच्छा, तो हम भी पिलाने आए। अच्छा, तो हमने देखा कि जल पी रहे हैं। आपने किन किन भगवान को जल पिलाया? हमने गणेश जी को पिलाया, नंदी जी को पिलाया, पार्वती जी को पिलाया। अच्छा, किस प्रकार से जल पी रहे हैं भगवान? हम चम्मच से पिला रहे थे तो थोड़ा थोड़ा बस चम्मच मुंह से लगाते हैं और जल पूरा खत्म हो जाता है। अच्छा ठीक। मैं आपका? मेरा नाम अश्विन पंडित गोस्वामी है। अच्छा, और मैं धामनोद का ही निवासी हूँ। हम क्या है कि अभी दुकान पे बैठे हुए थे, वहीं पर मेरे रिश्तेदार का फोन आया। उन्होंने बताया कि कहीं भी मंदिर में जाकर अगर भगवान नंदी जी को पानी पिला रहे तो भगवान पानी पी रहे हैं, तो वही आस्था लेकर हम भी मंदिर में आए। हमने देखा पहले से बहुत से श्रद्धालु पानी पिला रहे थे, उनके हाथ से पी रहे थे, उनको देखते हुए हमने भी प्रयास किया, चम्मच में पानी लिया तो भगवान ने जल पिया। धामनौद से गोलू मेवाड़े की रिपोर्ट।